ओके अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन द टेंस जो होगा एम बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो अगर देखा जाए तो अपने पास जो दे रखा है आर रेडियस दे रखा है, सर्कुलर लूप लूप के बारे में बता रखा है, तो उसके बारे में सोचेंगे। तो अगर देखा जाए तो कॉयल के लिए अगर मैं बी लिखूँ, किसी कॉयल के लिए अगर मैं बी लिखूँ तो क्या लिखता हूँ, म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई टू आर, तो वन बोलता हूँ उसको। ओके और अगर उसके सेकेंडरी कॉयल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, फाई टू बी इंटू ए। ओके और बी क्या है, म्यू नॉट आई वन डिवाइड टू आर वन, और ए कितना है, पाई आर टू स्क्वायर। बस अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा क्या होता है, वो एम होता है और वो होता है फाइव बाई आई वन। ओके तो फाइव क्या अपने पास ए है, तो फाइव उसको लिख ले और डिवाइड बाई आई वन कर ले। तो फाइव बाई आई वन जब करेंगे तो म्यू नॉट आई वन, ओके म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई टू आर टू इंटू पाई आर टू स्क्वायर इंटू आई वन, ओके डिवाइड बाई आई वन, तो ए नीचे आएगा वो इंटू आएगा नीचे आई वन, तो आई वन से आई वन कैंसिल हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे तो म्यूचुअल इंडक्शन जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन, नीचे क्या था, आर वन था। अब आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, आर टू स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई आर वन, इट मीन्स ऑप्शन जो आपका डी इसमें करेक्ट है।